इतनी देर से कहाँ थी? कुछ नहीं, मम्मी और मापारा के साथ बैठी थी। इतनी फनी बातें करती है मापारा कि पूछे ही नहीं, इतने मजे मजे के किस्से होते हैं उसके पास। अब कहाँ है वो? भाई रात भर से जाग रही थी, सुबह से पढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात है अब सोने चली गई होगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? और ये कल रात का जिक्र बार बार क्यों कर रही हो? थक गई होगी, और क्या कहना चाहूंगी। देखो आजरा, राहिद मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, और माँ पारा उसे मैं बचपन से देख रहा हूँ। आपकी बात और है, मगर राहिद वो तो बाहर से आया है, हो सकता है कि उसकी सोच बदल गई हो। क्या मतलब है इस बात का? भाई जवान लड़का है, हो सकता है माँ पारा से दोस्ती हो गई हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो? मेरे भाई पर? मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी? और किसी से दोस्ती होना कोई बुरी बात थोड़ी है। एंड दिस फ्रेंडशिप इज वेरी नेसेसरी फॉर माँ पारा एज वेल। तुम्हें जो कहना है ना साफ साफ कहो, ये घुमा फिरा कर बात नहीं करूं। अब देखे ना, जब राहिद इस घर में आया था तो उसे मापारा एक नजर नहीं पाती थी, और मामा ने बताया कि उसने तो मापारा के हाथ का बना हुआ डेजर्ट भी नहीं खाया था। ये तो मेरी मॉम ने बताया। हाँ, और अगर उनकी नफरत इसी तरह चलती रहती तो मामा को कितना दुख होता। इसके लिए जरूरी है कि मापारा और राहिद दोस्त बन जाएं, जैसे पापा ने, मामा ने और आपने मापारा को रखा है, इसी तरह मापारा और राहिद की दोस्ती भी बहुत जरूरी है। लेकिन